बहुत समय पहले की बात है। टर्की के राजा रानी बहुत ही कुशल शासक थे। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन उन्हें माँ बाप बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इस बात को लेकर वे दोनों बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन राजा उदास होकर कहता है, रानी साहिबा, मुझे नहीं लगता इस जन्म में मुझे पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? गॉड ने चाहा तो आप जरूर पिता बनेंगे। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, अब मुझ में दुश्मनों से लड़ने की शक्ति भी नहीं रह गई। अगले दिन इस बात की चिंता से राजा और रानी बहुत दूर एक चर्च में जाते हैं प्रेयर के लिए। प्रेयर के बाद पास्टर भविष्यवाणी करती हैं। डोंट वरी माय चाइल्ड, तुम दोनों मदर फादर जरूर बनेगा, लेकिन मदर बनते ही तुम्हारा बच्चा तुमसे छिन जाएगा। ये क्या पास्टर, जब गॉड को छीनना ही है तो हमें बच्चे क्यों दे रहे हैं? गॉड की प्लानिंग गॉड ही जाने, बस प्रेयर करो, सब सही होगा। कुछ समय बाद रानी एक सुंदर राजकुमारी रिहाना को जन्म देती है। राजा और रानी दोनों ही बहुत प्यार से राजकुमारी की परवरिश करने में जुट जाते हैं। तभी एक रात भूचाल आता है। अचानक महल में एक शेर आ जाता है। उसे देख रानी डर जाती है। अरे कोई तो मेरी रिहाना को बचाओ, ये शेर मेरी रिहाना को लेकर जा रहा है। नहीं। तभी वहाँ राजा भी आ जाते हैं और सैनिकों पर चिल्लाते हैं, सैनिकों कहाँ मर गए? शेर को मारो, नहीं तो वो राजकुमारी को ले जाएगा। तभी वहाँ सभी सैनिक आ जाते हैं, लेकिन सारे सैनिक मिलकर भी शेर को रोक नहीं पाते और शेर राजकुमारी को लेकर जंगल में चला जाता है, जिसे देख रानी जोर जोर से रोने लगती है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी रिहाना चाहिए, मुझे मेरी रिहाना चाहिए। थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हारी रिहाना को जरूर ले आऊंगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शेर राजकुमारी को लेकर जंगल में जाता है और उसके रोने की आवाज से शेर को तरस आ जाता है। शेर रिहाना को ना खाकर उसकी परवरिश करता है। रिहाना को अपनी तरह साहसी और बलवान बनाता है। धीरे धीरे रिहाना बड़ी होने लगती है। एक दिन रिहाना दूसरे जानवरों के साथ खेलती रहती है। शेर मामू आओ ना, तुम भी हमारे साथ खेलो। नहीं रिहाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब इस दुनिया को अलविदा कहना पड़े। ऐसे कैसे अलविदा कहोगे मामू, फिर तो मुझे भी साथ लेकर जाना पड़ेगा तुम्हें। बस इसी बात का तो दुख है मेरी बच्ची, मेरे बाद तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? शेर मामू, जब से मैं आसमान से गिरी थी तो तुमने मुझे क्यों उठाया? तुम्हारी शक्ल अलग है और मेरी शक्ल बिल्कुल अलग, फिर भी। नहीं मेरी बच्ची, तुम आसमान से नहीं गिरी थी और ना ही मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारे माता पिता से छीन कर बहुत बड़ा पाप किया था। तो क्या मेरे भी मम्मी पापा हैं? वो कैसे दिखते हैं? हाँ मेरी बच्ची, तुम्हारे भी माता पिता है, लेकिन पता नहीं वो जिंदा है या नहीं, और तुम बिल्कुल उनकी ही तरह दिखती हो। तुम चिंता मत करो, मैं मरने से पहले तुम्हें तुम्हारे माता पिता को जरूर सौंपूंगा, क्या पता कुछ पाप कम हो जाए। इतना सुनते ही रिहाना खुशी से उछलती है, सारे जंगल में बताती फिरती है। सुनो सुनो जंगल वासियों, बहुत जल्द मैं अपने मम्मी पापा से मिलने वाली हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनते ही जंगल के सारे जानवर उसके सामने आकर पूछते हैं, रिहाना क्या तुम हमें छोड़कर खुश रह पाओगी? हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। याद तो मुझे भी आएगी, तुम सभी की, लेकिन मेरे मम्मी पापा को भी तो मेरी जरूरत है ना, मैं तुम सभी से मिलने समय समय पर जंगल आया करूंगी, ठीक है? रिहाना शेर मामू के पास आती है और कहती है, शेर मामू अब तुम बिना देरी किए मुझे मेरे मम्मी पापा तक पहुँचाओ और हम सभी मिलजुल कर वहाँ साथ में रहेंगे। शेर मामू बिना देर किए रिहाना को उसके माता पिता तक पहुँचाने निकल पड़ते हैं। जैसे ही शेर मामू महल के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि पड़ोसी राज्य का राजा अपनी सेना के साथ महल पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी शेर मामू रिहाना से कहते हैं, बेटी रिहाना
अब समय आ गया है कि तुम और मैं मिलकर इस राज्य और महल की रक्षा करें। शायद यही समय है तुम्हें सिखाए हुए युद्ध नीतियों की परीक्षा की। जी शेर मामू। इतना कहते ही रेहाना शेर और सेनाओं के साथ मिलकर दुश्मन राज्य को धूल चटाती है, लेकिन अंत में रेहाना को बचाने में दुश्मन की तलवार से शेर घायल हो जाता है। ये सब महल के ऊपर खड़े होकर रेहाना के बूढ़े माता पिता देखते हैं और आपस में बातें करते हैं। कौन है ये जो हमारी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए? चलो चलकर देखते हैं। राजा रानी शेर और रेहाना के पास आते हैं। तुम जानवर होकर भी हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हो, गॉड तुम्हारी रक्षा करे। आपने इसे नहीं पहचाना राजा जी, आपकी ही बेटी रेहाना है जिसे मैं बरसों पहले आपके महल से लेकर चला गया था। ऐसा सुनते ही रानी रोते हुए रेहाना को गले लगा लेती है। क्या तुम सच बोल रहे हो शेर, ये हमारी बारिश है। शेर राजा और रानी को रेहाना की परवरिश की सारी बातें बताता है। अंत में वो अपने किए पर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए आप, आज मुझे समझ आ गया है कि गलत कर्म का फल गलत ही होता है। शायद आज इसीलिए मैं आज घायल अवस्था में हूँ। तुम गलत कह रहे हो शेर, तुमने तो मेरी बच्ची को जिंदा रखकर अच्छी परवरिश की है, वो सबसे बड़ा पुण्य है तुम्हारा। तुम्हारी परवरिश को सदियों सदियों तक ये संसार याद रखेगा। सुंदर काली परी। नन्ही यशिका ने अपनी दीदी से कहा, दीदी दीदी आज एक अच्छी सी कहानी सुनाइए ना। दीदी ने यशिका के सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, अवश्य सुनाऊंगी बेटा, पहले तुम गरम गरम दूध पी लो। यशिका ने दूध की गिलास मुंह से लगाया और खाली कर दिया। वो दीदी की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगी। परी लोक की सुंदर दुनिया में बहुत से परियां रहती थी। उनके बीच चंद्रमुखी नाम की परी भी थी। वो बहुत सुंदर थी लेकिन उसका रंग काला था। कुछ परियां उसके काले रंग के कारण उसे हेय दृष्टि से देखती थी। चंद्रमुखी परी की एक सहेली थी, उसका नाम पूनम परी था। वो चंद्रमुखी परी के पास आई और कहा, चंद्रमुखी चलो चलो आज पृथ्वी लोक की सैर कराएं। चंद्रमुखी ने उदास मन से कहा, पूनम मेरा दिल नहीं कह रहा है, फिर कभी जाएंगे। चलो ना, वहाँ तुम्हारा मन बहल जाएगा। पूनम परी के जिद के आगे चंद्रमुखी परी को हामी भरनी ही पड़ी। दोनों ने रानी परी से आज्ञा ली और पृथ्वी लोक की तरफ उड़ चली। उड़ते उड़ते वे पहाड़ के पास बहती हुई गंगा नदी के किनारे उतर गई। चंद्रमुखी परी ने बहती हुई गंगा नदी के जल को जैसे ही हाथ से छुआ, उसके शरीर में एक हल्की सी हलचल हुई, वो पीछे हट गई। पूनम परी ने पूछा, क्या हुआ चंद्रमुखी, तुम पीछे क्यों हट गई? चंद्रमुखी ने कहा, इस नदी को छूने से मेरे शरीर में कुछ अजीब सी हलचल हुई, मैंने कुछ अलग ढंग की ताजगी महसूस की है, पर ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। दोनों परियों में आपस में बातचीत चल रही थी कि अचानक वहां एक राजकुमार घोड़े पे बैठकर आया। वो घोड़े से नीचे उतरा और नदी के पास पहुंच गया। नदी से एक चुल्लू पानी उठाकर उसने अपने मुंह में डाला। उसकी नजर चंद्रमुखी परी पर पड़ी। वो एक टक देखता ही रह गया। इसके बाद वो उन दोनों परियों के समीप पहुंच गया। राजकुमार ने परियों से प्रश्न किया, क्या आप लोग परीलोक से आए हैं? पूनम परी ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ राजकुमार, हम दोनों परियां परीलोक से आए हैं। चंद्रमुखी परी ने देखा राजकुमार के दाहिने कांधे से खून टपक रहा था। राजकुमार ने कहा, एक शेर से मुठभेड़ हो गई और उसी ने यह जख्म दिया। चंद्रमुखी परी ने अपने जादू के सितारा छड़ी से राजकुमार का जख्म ठीक कर दिया। राजकुमार, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे राज्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप दोनों हमारी मेहमान हैं।
चंद्रमुखी परी ने कहा, हार्दिक धन्यवाद। राजकुमार ने कहा, यदि आप लोगों को किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो हमें जरूर याद कीजिएगा। अच्छा, तो मैं आज्ञा चाहता हूँ, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। इतना कहकर राजकुमार घोड़े पर बैठकर वहां से चला गया। दोनों परियां वहां से आगे बढ़ गई। चलते चलते उनकी राह में एक कुटिया दिखाई दी। वे दोनों वहीं रुक गई। कुटिया के अंदर से एक साधु महात्मा बाहर आए। दोनों परियों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने दोनों परियों को आशीर्वाद देते हुए कहा, ईश्वर आप दोनों का कल्याण करे। ऐसा लगता है कि आप दोनों पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आई हैं। यहाँ कुछ चोर लुटेरे भी हैं। मेरी एक गाय और बछड़ा चुरा ले गए हैं वो। ये सुनकर चंद्रमुखी परी ने जादू की सितारा छड़ी को घुमाकर कहा, महात्मा जी की गाय और उसके बछड़े को यहाँ प्रस्तुत करो। महात्मा जी की गाय और बछड़ा दोनों सामने उपस्थित हो गए। पूनम परी ने अपने चमत्कार से कुटिया के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना दिया। ये चमत्कार देखकर महात्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। वो कुटिया के अंदर गए और बाहर आकर मंत्र पढ़कर अपने कमंडल से जल लेकर चंद्रमुखी पर छिड़क दिया। चंद्रमुखी का काला रंग गोरा रंग में बदल गया। वो अत्यंत गोरी हो गई। महात्मा जी ने चंद्रमुखी से कहा, मैंने आपकी परोपकारी प्रवृत्ति को देख लिया। आपने राजकुमार को घाव और दर्द से मुक्त कराया। मेरी गाय और बछड़े को भी वापस कर दिया। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको एक महाऋषि ने क्रोधित होकर काला बना दिया था। आज लेकिन ये सुयोग आ गया जो आप अपनी पूर्व स्थिति में आ गई। चंद्रमुखी परी ने सर झुकाकर महात्मा जी से कहा, महात्मा जी प्रणाम। आपकी इस असीम कृपा से मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ। चंद्रमुखी और पूनम परी ने साधु महात्मा जी से जैसे ही विदा ली, उनके मुड़ते ही सामने उन्होंने राजकुमार को रथ के साथ खड़ा पाया। राजकुमार ने चंद्रमुखी परी को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी अप्रतिम सुंदरता पर वो मोहित हो गया था। राजकुमार ने चंद्रमुखी का हाथ पकड़कर उसे रथ पर चढ़ा दिया। पूनम परी भी मुस्कुराते हुए रथ पर चढ़ गई। उसके बाद राजकुमार रथ पर सवार हुआ और रथ राजमहल की ओर चल पड़ा। चंद्रमुखी परी ने राजकुमार और महात्मा की सहायता की। उसके फलस्वरूप उसे अपना सुंदर रंग प्राप्त हुआ और उसके जीवन में खुशियों की बहार आ गई। सीख: परोपकारी कभी व्यर्थ नहीं जाता। परोपकार करने से दोनों पक्ष को लाभ मिलता है। माँ काली और रक्त बीज की कहानी। बहुत साल पहले एक असुर सम्राट रंभ ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या कर रहा था। उसी समय देवराज इंद्र ने उसे धोखे से मार दिया था। अगले जन्म में उसने रक्त बीज के रूप में फिर से घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। हे दानवराज, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इच्छा वरदान मांग सकते हो। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि युद्ध भूमि में मेरे शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदे धरती पर गिरे, उनसे मेरे जैसा ही नया रक्त बीज पैदा हो जाए, जो शत्रु से वीरता के साथ युद्ध कर सके। ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा अमोघ वरदान पाकर रक्त बीज महाबलशाली और अत्याचारी बन गया। जैसे एक पूरी सेना तैयार हो गई, देवताओं के पैर उखड़ गए। वे अपने प्राण बचाकर भागने लगे। वे सब कैलाश पर्वत में पहुंच गए। स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी पशुपेश में पड़ गए। हे महादेव, अहंकारी निर्दयी रक्त बीज ने स्वर्ग में बड़ा उत्पात मचा दिया है। ये देवियों के प्रति भी बहुत अनुचित भाव रखता है। जब युद्ध करने के लिए निकलता है तब इसके शरीर के रक्त से बहुत सारे रक्त बीज तैयार हो जाते हैं और मिलकर आक्रमण कर देते हैं। इसे हराना असंभव है। इसने हमारा जीना कठिन कर दिया है। हे प्रभु,
इसके उत्पात से हमें बचाइए। भगवान शंकर जी के साथ साथ पार्वती माँ को भी क्रोध आ गया। उन्होंने मन ही मन रक्त बीज का संहार करने का संकल्प ले लिया। आप लोग यहाँ से प्रस्थान कीजिए, उस दुष्ट रक्त बीज का संहार मैं करूँगी। दानव राज रवि को देखा तो उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने रक्त बीज को युद्ध के लिए ललकारा। हे दुष्ट दानव, अब तेरा अंत निकट आ गया है, तूने स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है। मुझे कौन मार सकता है, मैं एक रक्त बीज से 100,000 और उससे ज्यादा भी बन जाऊंगा। मेरा मुकाबला तीनों लोक में कोई नहीं कर पाएगा। दुष्ट, मैं तेरे हर प्रतिरूप का अंत कर दूंगी, आजा मुझसे युद्ध कर। माँ पार्वती और रक्त बीज के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र चलने लगे। माँ ने उसे घायल कर दिया और जैसे ही उसके रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी, कई रक्त बीज तैयार हो गए और लड़ने लगे। माँ पार्वती की क्रोध की सीमा बढ़ती चली गई। उनका शरीर क्रोध के कारण काला, जीवा बड़ी और आंखें लाल हो गई। तीनों लोक में जैसे तूफान आ गया। पार्वती माँ आदिशक्ति महाकाली के रूप में आ गई थी। उनका डरावना रूप देखकर सभी भयभीत हो गए। वे समझ गए कि अब रक्त बीज के रक्त को जमीन पर नहीं गिरने देना है। उनका विकराल रौद्र रूप देखकर रक्त बीज भय के कारण भागने लगा। उनके तेज के आगे बहुत सारे राक्षस जलकर भस्म हो गए। भयानक रूप, गले में नरमुंड की माला, हाथ में तेज खड़क के साथ में काल से भी भयंकर दिखाई पड़ रही थी। हे दुष्ट रक्त बीज, अब तुझे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। मुझे मारना बहुत मुश्किल है, कोशिश करके देख लो। आदिशक्ति की अवतार माँ महाकाली ने रक्त बीज का सिर काट कर उसे खप्पर में रख दिया। उसके रक्त का पान किया ताकि उसके शरीर की एक भी बूंद धरती पर ना पहुंच सके। शेष सभी असुर भी उनके मुख में समा गए। माँ काली की हंसी तीनों लोक में गूंज उठी। इस तरह उन्होंने रक्त बीज का तो अंत कर दिया, लेकिन उनका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। माँ काली की क्रोधाग्नि ने प्रचंड रूप ले लिया था। उन्हें नियंत्रण में लाना अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा था। सभी देवता भोलेनाथ की शरण में चले गए। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, अब तो महाकाली को नियंत्रण में लाना बहुत मुश्किल हो गया है, आप ही कोई उपाय कीजिए, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। भोलेनाथ शिव शंकर फिर सोच में पड़ गए। इसके बाद वे स्वयं जाकर उनकी राह में लेट गए। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, अब तो महाकाली को नियंत्रण में लाना बहुत मुश्किल हो गया है, आप ही कोई उपाय कीजिए, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। भोलेनाथ शिव शंकर फिर सोच में पड़ गए। इसके बाद वे स्वयं जाकर उनकी राह में लेट गए। जैसे ही माँ के पैर ने भोलेनाथ के शरीर को स्पर्श किया, वे चौंक गईं। उनका क्रोध शांत होने लगा और वे अपने असली रूप में आ गईं। अरे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया, आप उठ जाइए, आपका स्थान तो कैलाश पर्वत है। माँ पार्वती महादेव शिव शंकर के साथ कैलाश पर्वत की ओर चली गईं। इस तरह आदिताई रक्त बीज का अंत हुआ और काली माँ का क्रोध भी समाप्त हुआ। ये दिन ठीक दिवाली के एक दिन पहले काली माँ की पूजा के साथ नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। जय महाकाली माँ। कई हजार साल पहले की बात है, एक महिषासुर नाम का राक्षस था। उसका आधा शरीर राक्षस का और आधा शरीर भैंसे का था। उसने कई सालों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, मांगो जो वरदान मांगना है। महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इन तीनों लोकों में किसी भी देवता या मानव के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। महिषासुर बहुत घमंडी और अत्याचारी था।
उसने देवताओं पर आक्रमण किया। उन्हें युद्ध में हराकर उसने उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सभी देवता महिषासुर के उत्पात से बहुत परेशान हो गए। वे सभी मिलकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी की शरण में गए। सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा में इसका उपाय ढूंढने का प्रयास किया। श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने एक तेज प्रकाश पुंज से एक सुंदर देवी का निर्माण किया। इसी देवी को सारी दुनिया आदि शक्ति माँ दुर्गा के नाम से जानती है। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। शंख चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष बाण इत्यादि अस्त्रों को धारण कर वे महिषासुर की नगरी की ओर चल पड़ी। जब महिषासुर को उनके बारे में सूचना मिली, तब वह उनसे मिलने के लिए वह ललायत हो उठा। महिषासुर ने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ दुर्गा ने कहा, हे असुरराज, मुझसे युद्ध करो। यदि तुम ये युद्ध में मुझे जीत लिया तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगी। महिषासुर ने देवी से कहा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। महिषासुर काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह के अधीन हो चुका था। उसका विवेक नष्ट हो चुका था। दुर्गा माँ और महिषासुर के बीच 10 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। दोनों तरफ से शस्त्रों का प्रहार जारी था। माँ दुर्गा स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। उन्होंने महिषासुर के हर शस्त्र प्रहार को नाकाम कर दिया था। अंत में 10वें दिन देवी माँ ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की रक्षा कर ली। सभी देवता अति प्रसन्न हुए और माँ दुर्गा पर पुष्प बरसाने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे। तब से हिंदुओं ने नवरात्रि का त्योहार मनाना शुरू किया। हम नवरात्रि में जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी आरती गाते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। क्यों रे चंदन, तुझे क्या लगता है मेरे को मोल करना नहीं आता? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। देख, अगर तू मुझे 4 रुपए में 2 खीरे देगा तभी मैं तुझसे लूंगी, नहीं तो मुझे खुद मेहनत करके खीरे उगाने में कोई परेशानी नहीं है। और अगर मैंने खीरे उगाए तो मैं उन्हें बेचना भी शुरू करूंगी और तुझसे कम दाम में बेच के मैं तेरा धंधा चौपट कर दूंगी। अब बता, तू चाहता है कि तेरा धंधा चौपट हो जाए? अरे माँ जी, तुम इतनी दूर कहाँ पहुंच गई? अच्छा ठीक है, तुम 4 रुपए में 2 खीरे ले लो, लेकिन भगवान के लिए ये किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें इतने सस्ते में खीरे बेचे, नहीं तो लोग मेरा धंधा बंद कराने आ जाएंगे। हाँ हाँ चल ठीक है, अब टोकरी इधर दे। ये लो। विद्युलता खीरे की टोकरी अंदर ले जाती है। विद्युलता अपने घर के बीच में बने आंगन में जाती है, जहां उसकी बहन प्रेमलता कुर्सी पर बैठी है। विद्युलता जाकर उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। मानना पड़ेगा दीदी, तुम्हारी चालाकी से कोई नहीं बच सकता। तू भी अपनी बड़ी बहन से कुछ सीख प्रेमलता। मैं तो सोच रही हूँ कि अपने घर के बाहर एक विज्ञापन डाल दूँ। कैसा विज्ञापन? अभी देखियो, चल। विद्युलता और प्रेमलता उठकर घर के बाहर जाते हैं। चंदन सब्जी मंडी जाता है, जहाँ उसकी तरह दूसरे सब्जी वाले भी खड़े रहते हैं। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, जिंदगी में कभी भी उस घमंडी बुढ़िया के घर सब्जी देने मत जाना, मेरा इतना नुकसान कराती है वो बुढ़िया। कौन? वो विद्युलता? और नहीं तो कौन, वो मनहूस औरत, न जाने अपने आप को क्या समझती है। तभी मंडी में एक लड़का शोर मचाता हुआ आता है। अरे जल्दी चलो जल्दी, देखो जरा विद्युलता के यहां इनाम बट रहा है। ये कहते ही लड़का भाग जाता है।
क्या इनाम? चलकर देखते हैं क्या कारनामा मचा रही है बुढ़िया। दोनों चलते हुए जाते हैं। विद्युलता के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी है। चंदन और श्याम वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक एक करके हर कोई विद्युलता के पास जाकर वापस आ रहा है। वो करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विद्युलता के घर के बाहर एक विज्ञापन लगा है जिसे श्याम पढ़ता है। जो भी मेरी चालाकी और बुद्धिमानी को टक्कर देगा उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। हे भगवान, इस घमंडी औरत ने तो हद ही पार कर दी है। भला इस औरत से चालाकी और बुद्धिमानी में कौन ही जीतेगा? एक व्यक्ति है जो इस बुढ़िया को सबक सिखा सकता है। कौन? श्याम गहरी सोच में है। कुछ दिनों बाद विद्युलता के घर के बाहर एक आग की लकड़ियां बेचने वाला आदमी आता है। वो बहुत तेज तेज चिल्लाता है, आग की लकड़ियां, भारी भारी लकड़ियां, आग की लकड़ियां, भारी भारी लकड़ियां। विद्युलता घर से बाहर निकलकर आती है। वो गुस्से में है। ए लकड़ी वाले, ये क्या शोर मचा के रखा है? मैं तो अपनी लकड़ियां बेच रहा हूँ अम्मा। चुप कर, पूरा बाजार सर पर उठा रखा है। अच्छा चल एक काम कर, अपनी ये लकड़ियां मेरे को बेच और जा यहाँ से। जी अम्मा, इनका दाम आपको मुट्ठी भर गेहूं में देना होगा अम्मा। ठीक है ठीक है, तू बैठ यहीं पर, मैं भेल आई। विद्युलता अंदर से एक मुट्ठी गेहूं लेकर आती है। गेहूं देखकर आदमी लकड़ियां नीचे रख देता है। अरे लकड़ियां वापस क्यों रख दी? लगता है अम्मा आपको मेरा दाम समझ में नहीं आया। मैंने कहा था कि मुझे मुट्ठी भर गेहूं चाहिए। अब जब आपको मेरा दाम समझ नहीं आया है तो आपको अपना ये विज्ञापन नीचे उतारना होगा और मुझे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत? दोनों रास्ते में ही बहस करने लग जाते हैं। कुछ ही देर में वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। एक बुजुर्ग आदमी बीच में आता है। अरे लड़ना बंद करो, ये भला यहाँ क्या हो रहा है? ये पागल आदमी यहाँ आके बकवास किए जा रहा है। दिमाग भगवान ने दिया नहीं और समझते हैं अपने आप को पता नहीं क्या। शांत हो जाओ विद्यु बहन, शांत हो जाओ। ए लकड़ी वाले भाई, तुम बताओ आखिर क्या बात है? मालिक, मैं यहाँ लकड़ियां बेचने आया था। अम्मा मुझसे लकड़ियां खरीदने के लिए तैयार हो गई तो मैंने उन्हें लकड़ियों के दाम के लिए मुट्ठी भर गेहूं की मांग की और उन्होंने मुझे इतने सारे गेहूं के दाने लाकर दे दिए, जबकि उन्हें मुझे केवल एक गेहूं लाकर देना चाहिए था, क्योंकि एक पूरा गेहूं हमारी मुट्ठी में समा जाता है। और अब जब बुद्धिमानी में मैंने अम्मा को मात दी है तो मुझे उनके विज्ञापन के अनुसार 1000 सोने के सिक्के मिलने चाहिए। आदमी की ये बात सुनते ही गांव के लोग हैरान हो जाते हैं। भाई वाह, इस बात से तो सच में ये साबित होता है कि तुम विद्युलता से ज्यादा बुद्धिमान हो, तो अब तो इनका तुम्हें इनाम देना भी बनता है। श्रीमान, मैं तुम्हें इनाम तो जरूर दूंगी, लेकिन ये तो बताओ कि तुम हो कौन? तभी लकड़ियां बेचने वाला आदमी अपनी दाढ़ी निकालता है। वो तेनाली रामन है। सभी लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। सब उनके आगे हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करते हैं। तेनाली रामा आंख मारते हैं।